उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने कहा है कि यह सरकार समाज के हर वर्ग व प्रदेश की समग्र जनता के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जिस उत्तर प्रदेश में माफिया के आतंक से लोग परेशान थे, आज माफिया कानून के भय से यूपी छोड़कर बाहर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बने हुए आज 4.5 वर्ष हो गए हैं और इन 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने बड़े बदलाव देखे हैं। आज कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव देखे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में माफिया के आतंक से लोग ग्रसित थे, परेशान थे, आज वो माफिया कानून के भय से उत्तर प्रदेश छोड़कर के बाहर है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं या एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस नारे को साकार करने का काम किया है, विकास के नए मानदंड गढ़ने का काम किया है। आज चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो या चिकित्सा की व्यवस्था हो, उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण है और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन 4.5 वर्षों में जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, चाहे वो किसानों के संदर्भ में हो, चाहे वो नौजवानों के संदर्भ में हो, महिलाओं के संदर्भ में हो या रोजगार के संदर्भ में हो, आज उत्तर प्रदेश ने चौमुखी विकास करने का काम किया है और इस विकास के दम पर हम 2022 में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2017 में जितनी सीटें हम पाए थे, हम 2022 में उससे अधिक सीटों के साथ जीत करके एक नई स्थापित सरकार करने जा रहे हैं, जो सरकार पिछली सरकार से भी ज्यादा मजबूत बनेगी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, विकास के दम पर हम 2022 में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं।